जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो है हमारा वल्कनाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने कंपाउंडिंग ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ी थी, ऐसे ही रबर के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या होता है वल्कनाइजेशन और क्यों हम लोग कराते हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वल्कनाइजेशन क्या होता है। तो वल्कनाइजेशन कुछ नहीं है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम नेचुरल रबर के अंदर सल्फर को मिलाते हैं। ठीक है, क्या वल्कनाइजेशन हमारी एक इस प्रकार की प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो नेचुरल रबर होता है जिसके अंदर हम सल्फर का एडिशन कराते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या वल्कनाइजेशन। ध्यान रखना, इसकी पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो वल्कनेशन एक प्रोसेस है जिसको चार्ल्स ने डिस्कवर करी थी कौन से ईयर में, 1839 में। ठीक है, तो वल्कनेशन एक प्रोसेस है जो कि चार्ल्स के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1839 में, जिसमें क्या कर होते थे कि इसके अंदर हम जो रो रबर है उसको 100 to 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, किसके साथ, सल्फर के साथ। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं कि चार्ल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि वल्कनाइजेशन में आप नेचुरल रबर को या रो रबर जो है उसको 100 से 140 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर के साथ अगर आप हीट करोगे तो वो क्या करेगा, केमिकली कंबाइन हो जाता है डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, जो भी हमारे रबर के, जैसे ये डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड के साथ जो सल्फर है हमारा केमिकली कंबाइन हो जाएगा और एक दूसरे में क्रॉस लिंकिंग बन जाएगी, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, स्टीफनिंग पावर बढ़ जाएगी। मींस वल्कनेशन ब्रिंग अबाउट स्टीफनिंग ऑफ द रबर, जो रबर है वो स्टीफन हो जाएगा और जिससे वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली प्रिवेंटिंग इंटरमोलिकुलर मूवमेंट ऑफ रबर स्प्रिंग। अब वो जो रबर के अंदर जो मूवमेंट थे उनको रोक देगा। ध्यान से देखना, अगर आप बात करते हैं ये हमारा है क्या अनवल्कनाइज रबर या फिर नेचुरल रबर, ये नेचुरल रबर था, ये भी हमारा नेचुरल रबर थे, ऐसे एन नंबर ऑफ पॉलीमर्स आपके रबर यहाँ पर आ जाएंगे। जब आप इसको सल्फर है, सल्फर को 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे, ये 140 है, ठीक है, सो 100 to 140 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करोगे तो ये जो S8 है, सल्फर है, वो हमारा केमिकली ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद सल्फर के साथ एक एक बॉन्ड ये लोग बना लेंगे, ऐसे ही इसके साथ भी हो जाएगा, ये प्रोसेस हमारी चलती जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा जब ये डबल बॉन्ड जो नेचुरल या रो रबर का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, साथ में सल्फर को इसके अंदर क्या हुआ, सल्फर इसके अंदर ऐड हो गया, तो अब क्या होगा, ये जो भी साइट्स थी इसकी, जो भी एक्टिव साइट इसके अंदर प्रेजेंट थी वो इन सल्फर के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई है। अब वो एक्टिव साइट सारी ऑक्यूपाई कर ली गई है तो इसके अंदर जो फ्री मूवमेंट था, जैसे कि नेचुरल रबर के अंदर फ्री मूवमेंट था, वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि क्रॉस लिंकिंग की वजह से। ठीक है, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये मूवमेंट क्या हो गया, रेसिस्ट हो गया और ये हमारे लिए यूजफुल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लिखा गया है, आप अगर इसको एक बार और पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना जो सल्फर हम लोग कितना ऐड करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर में हम कितना सल्फर मिला है, कुछ तो क्वांटिटी होगी, कुछ तो एस्टिमेट हम लगा के मिलाते होंगे कि ऐसे ही थोड़ी डाल देंगे ना। तो जो सल्फर हम लोग उस पर अंदर मिला रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार का वल्कनाइज रबर चाहिए, किस टाइप के यूज के लिए चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करें ऑर्डनरी रबर जो है, सेफ फॉर बैटरी केस के लिए, जो बैटरी होती है उसके लिए आपको 30% सल्फर उसमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको टायर अगर बनाना है, ठीक है, तो हेवी व्हीकल के टायर के लिए आपको अलग कंपाउंड में या अलग कंपोजिशन में सल्फर मिलाना पड़ेगा। तो सल्फर का जो कंपोजिशन है आपके यूसेस के हिसाब से वेरी करता जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो रिएक्शन है आपको किसकी, फॉर्मेशन या वल्कनाइज रबर की, वल्कनाइजेशन की, जो आपको क्लियर हो गई होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये है मेरा रो रबर या नेचुरल रबर जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रोसेस करवाई जिससे कि वल्कनाइज रबर हमें मिल गया। बात कर लेते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं नेचुरल रबर के, सॉरी वल्कनाइज रबर के। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब ध्यान देना जो नेचुरल रबर था उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती थी, मींस एक लिमिट के बाद वो बिल्कुल फेल हो जाता था, लेकिन वल्कनाइज रबर क्या होगा, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी।
साथ में जो वोल्कनाइज रबर है उसकी एक्सेलेंट रेजिलेंस आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इट हैज़ बेटर रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन एंड एबर्शन। और जो हमारा जो वल्कनाइज रबर है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर, मॉइस्चर को रेसिस्ट कर पाएगा ये आसानी से। साथ में जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो भी स्क्रेच वगैरह आ रहे थे, एबर्शन मीन्स जो भी स्क्रेचेस वगैरह आएंगे आ रहे थे नेचुरल रबर में, वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इट इज रेसिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब जो हमारा वोल्कनाइज रबर है वो हमारा रेसिस्टेंट हो जाता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज CCl4, बेंजीन, पेट्रोल एक्सेट्रा, एल्कोहल, ये हो गया, इन सबको क्या करेगा ये रेसिस्ट कर पाएगा। मीन्स इन सब सॉल्वेंट के अंदर हमारा नेचुरल रबर तो सोल्यूबल था, लेकिन ये हमारा वोल्कनाइज रबर इन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इनके अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इट हैज ओनली स्लाइट थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है रबर की वो भी डिक्रीज हो जाती है। साथ में लो इलास्टिसिटी। अब क्या होता है, नेचुरल रबर अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में या लार्ज अमाउंट में इलास्टिसिटी शो करता था, लेकिन जो हमारा वोल्केनाइज रबर है वो बहुत कम इलास्टिसिटी शो करेगा, जो उसको हमारे यूजेबल बनाती है, हमारे लिए यूजेबल बनाता है, ठीक है। ये हमारे कुछ थे एडवांटेजेस इसके वोल्केनाइज रबर के। बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन के, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है हमारा किसका, वोल्केनाइज रबर का, वो है मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डंपर होता है, डंपर के लिए अलग क्वालिटी के टायर होते हैं, साइकिल के लिए अलग क्वालिटी के होते हैं, बाइक के लिए अलग क्वालिटी के टायर्स होते हैं, कार के लिए अलग क्वालिटी के टायर्स होते हैं। तो क्या कहते हैं, जो मेजर यूज होता है किसका, वोल्केनाइज रबर का, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स। क्योंकि हमें अलग अलग टाइप्स के टायर्स चाहिए तो अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग कंपोजिशन का सल्फर हम उसमें मिलाएंगे, ठीक है। तो मेजर यूज जो है इसका काम पर होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, ठीक है। फिर देखो, इन हैवी ड्यूटी टायर्स द मेजर पोर्शन ऑफ द रबर यूज इज नेचुरल रबर। ध्यान देना, जो हैवी ड्यूटी टायर्स होते हैं, हैवी ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोड कैरी कर रहे हो या कंटिन्यूस यूज में आ रहे हो, मीन्स हैवी ड्यूटी, ड्यूटी से आप क्या समझते हो, कोई भी जॉब कर रहा है तो कितने टाइम के लिए वर्क कर रहा है, तो हैवी मतलब बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर वर्क कर रहा होगा। तो जो भी हैवी ड्यूटी टायर्स जो हमारे रहेंगे उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन किसका रहता है, नेचुरल रबर का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर जो है, इन टैंक लाइनिंग इन केमिकल प्लांट्स, जो टैंक की जो लाइनिंग करते केमिकल प्लांट्स में, उनके लिए भी हम लोग किसका, वल्कनाइज रबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो कोरोजिव केमिकल्स है उनको हम स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं, जो कि हमारे क्या है, जिनको हम रबर से बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, जो भी केमिकल्स हमारे बन रहे हैं किससे, जो रबर से मिलकर बनेंगे, उनको स्टोर करने के भी काम में ये आता है, ठीक है। देख सकते हैं आप इस पॉइंट को एक बार और, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। द टैंक लाइनिंग इन केमिकल प्लांट्स वेयर कोरोजिव केमिकल्स आर स्टोर्ड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रबर्स, ठीक है। फिर टू रिड्यूस मशीन वाइब्रेशन, मशीन का जो वाइब्रेशन है उनका कम करने में भी हम वल्कनाइज्ड रबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। रबर इज सैंडविच बिटवीन टू मेटल सर्फेस, कैसे, कि सपोज एक मशीन का पार्ट ये था, एक मशीन का पार्ट ये था, आप इन दोनों के बीच में अगर वोल्केनाइज्ड रबर लगा दोगे तो यहाँ से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे थे वो रेसिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, वाइब्रेशन को रिड्यूस कर दिया। फिर फोम रबर इज यूज फॉर मेकिंग कैशंस, मेट्राइसेस, पेडिंग्स एक्सेट्रा एंड स्पोर्ट्स आइटम आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द नेचुरल रबर। ये सारे जो मटेरियल है, स्पोर्ट्स आइटम वगैरह, ये भी हमारे नेचुरल रबर से बन सकते हैं। फिर जो है गट्टा परचा जो है, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं मेकिंग सबमराइन केबल्स, सबमराइन केबल बनाने के लिए हम गट्टा परचा का यूज़ कर सकते हैं। गोल्फ बॉल कवर, उसके भी लिए यूज़ होता है, टिश्यू एंड और एडेसिव एक्सेट्रा। तो ये सारी जो बातें थी जो हम लोगों ने कर ली है कि आखिर में वल्कनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ इसको एक बार, वल्कनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल रबर है उसके अंदर हम लोग सल्फर का एडिशन कराते हैं अंडर हाई टेम्परेचर, डेट इज 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक। उसमें हम क्या मिलाते हैं, सल्फर का एडिशन कराते हैं। सल्फर क्या करता है, वहाँ से क्रॉस लिंकिंग फॉर्म कर लेता है, क्रॉस लिंक फॉर्म करने के बाद वो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है।
फिर हमने एडवांटेजेस की बात करी, एडवांटेजेस के बाद फिर हमने एप्लीकेशंस की बात करी, एंड आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।